दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपस्टॉक्स की न्यू एप्लीकेशन पर कैसे अकाउंट बना सकते हैं और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपस्टॉक्स की न्यू एप्लीकेशन पर कैसे फंड्स ऐड करके ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ऐड किए हुए फंड्स को अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। दोस्तों अपस्टॉक्स की न्यू एप्लीकेशन पर अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। यहां से आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपको एक 6 डिजिट्स का पिन बनाने को बोलेगा, तो पिन एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। वही पिन फिर से एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। अभी यहाँ पर ऊपर आपको क्रिएट अपस्टॉक्स अकाउंट दिखेगा, उस पर क्लिक करके लेट्स बिगिन पर क्लिक कर दीजिए। अभी स्टार्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दीजिए और वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए और आपका ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। फिर अपने फादर का नेम इंटर करके कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, एनुअल इनकम और ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू कर दीजिए। अभी आप अपना जेंडर और मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए। इन तीनों को आपको सिलेक्ट करके रखना है और कंटिन्यू कर देना है। इस बॉक्स में आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। शेयर विद डिजी लॉकर पर क्लिक कीजिए, फिर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करके नेक्स्ट करिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। इसको अलाउ कर दीजिए, फिर प्रोसीड। टेक अ फोटो पर क्लिक करके कैमरा परमिशंस को अलाउ कर दीजिए और अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए। फ़ोटो अगर क्लियर नहीं है तो टेक फ़ोटो अगेन पर क्लिक करके आप फिर से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, और अगर फ़ोटो सही है तो कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर फिर से कंटिन्यू कीजिए और फिर क्लेम योर फ्री स्टॉक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नो करके कंटिन्यू कर दीजिए, फिर ऐड लेटर पर क्लिक कीजिए और साइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। अभी ई साइन नाउ पर क्लिक कीजिए, फिर प्रोसीड टू ई साइन पर और फिर साइन नाउ पर। आई हेयर बाई के बॉक्स को सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर एंटर कीजिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। आपके नंबर पर फिर से आधार ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट होने के लगभग 24 घंटे में आपके ईमेल पर एक मेल आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अपस्टॉक्स अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव का, जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाने के बाद आपको वापस से अपस्टॉक्स एप्लीकेशन ओपन करनी है। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। फिर अपना 6 डिजिट का पिन एंटर करके लॉगिन कर लीजिए। अभी दोस्तों ट्रेड करने के लिए हमें फ़ंड्स ऐड करने होंगे, तो फंड्स ऐड करने के लिए नीचे जो राइट साइड में अकाउंट का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, फिर ऐड फंड्स पर क्लिक कीजिए और जितना अमाउंट आपको ऐड करना है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको जिस मेथड से भी फंड्स ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक करके फंड्स ऐड कर लीजिए। फंड्स ऐड होके यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी ट्रेड करने के लिए ऊपर जो सर्च का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, फिर जो स्टॉक्स आपको परचेस करने हैं वो यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लीजिए और उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए। नीचे आपको बाय पर क्लिक करना है, फिर आपको जितनी क्वांटिटी परचेस करनी है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए और सबसे नीचे रिव्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अभी आप स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर को स्वाइप करेंगे तो आपका स्टॉक सक्सेसफुली परचेज हो जाएगा। दोस्तों जो फंड्स आपने ऐड किए थे उनको बैंक अकाउंट में निकालने के लिए वापस से नीचे अकाउंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको विदड्रॉ दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर जितना अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ करना है वो यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए और कंफर्म विड्रॉल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपका विड्रॉ क्या हुआ अमाउंट लगभग 24 से 48 घंटे में आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे अब स्टॉक्स की न्यू एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाया, कैसे फंड्स ऐड करके ट्रेड की और कैसे हमने बचे हुए फंड्स को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ किया। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि आप स्टॉक्स पर रेफर करके कैसे पैसे कमा सकते हैं या कैसे रेफर करके कमाए हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं तो उसकी वीडियो आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए।